प्रिय मित्रों, आप जो भी भूमि खरीदना चाहते हैं, जो भूमि आप ले रहे हैं, चाहे वो किसी व्यवसाय के लिए ले रहे हैं या क्रय विक्रय के लिए ले रहे हैं, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यानी कि प्रॉपर्टी को बेचने खरीदने के लिए आप भूमि ले रहे हैं, और चाहे या फिर वो भूमि आप ले रहे हैं अपने सपनों का घर बनाने के लिए, तो दोस्तों यहाँ पर जरूरी हो जाता है कि भूमि क्या आपको वो भूमि जो आप ले रहे हैं वो आपके लिए शुभ रहेगी या नहीं, या फिर उस भूमि में जाने के बाद, उस जमीन को खरीदने के बाद आपको कोई नुकसान हो सकता है, या फिर आपको बहुत शुभ वो भूमि रहने वाली है, वहां से आप जो है और जो है प्रोग्रेस करेंगे। इसका विचार जो है दोस्तों आप खुद स्वयं कर सकते हैं, इसीलिए मैं आपको इस वीडियो के जरिए बताने जा रहा हूं कि आप जो भी भूमि का चयन कर चुके हैं, चुन चुके हैं कि वो भूमि मुझे लेनी है और वो लेना चाहते हैं, पर मैं आपको कहूंगा, इंडिकेट करूंगा कि आप उसे एक बार चेक तो कर लीजिए कि वो भूमि आपके लिए अच्छी है या नहीं। कई बार जो है वास्तु दोष से संबंधित ऐसी बहुत सारी बातें सामने आती हैं कि लोग जो है जमीन तो ले लेते हैं, मकान तो ले लेते हैं, लेकिन उस मकान में, उस जमीन में जाकर के लेने के बाद जो है उनकी सेहत खराब होना चालू हो जाती है, उनका धन खराब होना चालू हो जाता है, उनके बच्चों का भविष्य खराब होने लग जाता है, घर में जो है पत्नी की तबीयत अचानक से खराब होने लगती है, पति का व्यवसाय जो बिगड़ने लगता है उस भूमि पर जाने पर, उस मकान में सोने पर, रहने पर वहाँ भूत प्रेत इत्यादि चीजें दिखाई देने लगती हैं, बुरे बुरे स्वप्न आने लगते हैं, और तो और दोस्तों वहाँ पर अनेका अनेक प्रकार की, कई बार खोदने पर, भूमि को जो हम खोदते हैं तो वहाँ पता लगता है कि बहुत बुरी बुरी और बेकार और खतरनाक चीजें भी निकलती हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें यदि लेने के बाद, पैसे देने के बाद अगर हों तो जीवन लगभग खराब हो जाता है, पैसा लगभग जो लगाया बर्बाद हो जाता है। इसलिए दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं और इस पर डिस्कस करना चाहता हूं आपके साथ में इस वीडियो के जरिए कि आप किस तरह से आप जो है भूमि का चयन कर सकते हैं, शुद्ध और शुभ भूमि को आप ले सकते हैं, किस तरह आप उसको परीक्षा ले सकते हैं भूमि की कि वो कैसी है। तो आइए इस पर डिस्कस करते हैं, लेकिन इसके पहले आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस और नॉलेजेबल वीडियोस आपको मिलती रहे हमेशा, और साथ में ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं आपका दोस्त भविष्यवक्ता एस्ट्रोलॉजर सुनील शास्त्री आपका वेलकम करता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट को इस हमारे इंट्रो के बाद में। तो दोस्तों किस तरह से आप जो है उस भूमि की परीक्षा ले सकते हैं, उस भूमि को चेक कर सकते हैं कि वो आपको बेनिफिशियल होगी या नहीं, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट को। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आप जिस भूमि पर कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं या फिर करना चाहते हैं या घर बनाना चाहते हैं अपने सपनों का, तो उस घर को, उस भूमि को स्टार्ट करने से पहले, यानी उस भूमि पर घर बनाने से पहले या दुकान या व्यवसाय फैक्ट्री बनाने से पहले आपको चेक करना चाहिए और उस भूमि की शुभ अशुभ परीक्षा करनी चाहिए। तो दोस्तों आपको करना ये है कि शाम के समय वहां जाना है और उस भूमि पर पूजन करवाने के पश्चात, एक छोटा सा पूजन कर लेना है, वहां पर प्रणाम करना है भूमि को, और अपने हाथ से, आपका जो हाथ है यानी कि जो भूमि ले रहा है, जिसके नाम पर है, जिस नाम से लेना चाहता है वो व्यक्ति, जाकर के अपने हाथ से
नपुआ करके एक हाथ लंबा गड्ढा खुदवावे उस भूमि पर, उस जमीन पे, और वो गड्ढा एक हाथ गहरा होना चाहिए और एक हाथ चौड़ा होना चाहिए, यानी कि स्क्वायर में आ जाएगा, और डेढ़ हाथ गहरा खड्डा खोदकर उसे जल से भर दे। यानी कि दोस्तों, एक हाथ चौड़ा और डेढ़ हाथ, अपने हाथ से डेढ़ हाथ गहरा वो गड्ढा होना चाहिए। जब वो गड्ढा खुद जाए तो उसमें उसको भर दो पानी से। जब पानी से भर जाए तो अपने घर आप चले जाइए वापस। सुबह आपको आकर के उस गड्ढे को देखना है। अगर वो गड्ढा जल से भरा हुआ दिखे तो जानना कि वो भूमि एकदम शुभ है आपके लिए। और यदि पानी ना हो उस गड्ढे में तो जानना कि वो मध्यम है, सामान्य है, मतलब आपको फायदा भी देगा, ठीक ठाक ही देगा, कोई बहुत बढ़िया नहीं है और बेकार भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, यदि गड्ढे में पानी ना हो और उसके आसपास की मिट्टी फटी हुई हो तो भूमि को अशुभ समझना चाहिए। फटी हुई भूमि आसपास नहीं होना चाहिए, और दूसरा उसमें पानी नहीं होगा तो समझिए कि वो जो है आपके लिए शुभ बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा दोस्तों, उस भूमि, वास्तु भूमि जिस पर आप निर्माण करने वाले हो, उसकी परीक्षा के लिए जो है आपको चाहिए कि भूमि में लगभग 1.5 फुट गहरा उतना ही चौड़ा खोदें, और खुदाई के समय यदि पत्थर निकले अपने हाथ से, एक हाथ या डेढ़ हाथ या फिर 1.5 फुट आप जो है उस गड्ढे को खोदें, और खुदाई के समय यदि दोस्तों वहाँ पत्थर निकले, ईंट निकले या तांबे का कोई सामान निकले या कोई बर्तन निकले या फिर कुछ कोई पैसे निकले, चाहे वो 10 पैसे हों, चाहे वो 1 रुपया या कुछ भी हो, धन आदि कुछ भी ऐसा द्रव्य मिले, तो यह परिवार की आयु, धन, संतति आदि को वृद्धि करने का संकेत माना जाता है कि वो आपके लिए जो है आयु की वृद्धि करेगा, धन वृद्धि करेगा, आपको प्रोग्रेस देगा और आपको सुख देगा वो भूमि। इसे शुभ शकुन मानना चाहिए। पर यदि भूमि खोदने पर कोई हड्डी मिले, कोई कपाल मिले, कोई हड्डी, कोयला, कोई बाल निकले, राख निकले, किसी तरह की कोई गुठली निकले, रुई निकले, कोई सीप होता है ना, मोतियाबिंद सीप निकले, किसी तरह की कोई हड्डी या खोपड़ी निकले, लोहा निकले, तो इसे अशुभ शकुन समझना चाहिए। ये बिल्कुल भी मानना चाहिए कि ये भूमि आपके लिए शुभ नहीं रहेगी, इसीलिए ऐसी भूमि का त्याग कर देना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि आपको उस भूमि की परीक्षा के लिए उत्तर दिशा की ओर उस भूमि के लगभग 1.5 फुट गहरा और 1.5 फुट चौड़ा एक गड्ढा बनाएं। गड्ढे में सारी मिट्टी निकाल दें उस गड्ढे की, और निकाली हुई मिट्टी को दोबारा दोस्तों उसी गड्ढे में भर दें। यदि गड्ढा भर देने के बाद भी मिट्टी अगर और बच जाती है, शेष बच जाती है, यानी कि गड्ढा तो भर गया लेकिन मिट्टी अभी भी बाकी है, तो समझ लेना चाहिए कि भूमि बहुत उत्तम है। यदि फिर भरने के बाद मिट्टी शेष नहीं बचती और गड्ढा पूरा भर जाता है, तो इससे ये समझना चाहिए कि भूमि मध्यम है, स्तर की है, यानी कि ठीक है, कोई बुरी भी नहीं है। पर दोस्तों, यदि निकाली गई जो गड्ढे में से मिट्टी है वो भरने पर भी गड्ढा पूरी तरह नहीं भरता, यानी कि मिट्टी कम पड़ जाती है, और तो समझना चाहिए कि जमीन बिल्कुल निकृष्ट है और आपको बेनिफिट नहीं देने वाली है, आपको नुकसान देने वाली है हर तरह से। इस प्रकार आप चयन कर सकते हैं भूमि का।
चौथा जो पॉइंट है दोस्तों, फटी हुई भूमि होती है, आपने देखा होगा दरार पड़ी होती है, या फिर शूल वहाँ पर हो, कोई किस तरह के, कोई लोहे का कांटा या इस तरह का कुछ भी निकले, नुकीली चीज, या फिर कांटे हों उस भूमि पर, या फिर वह भूमि जो है दीमक वहाँ कहीं लगे हों, या फिर वो भूमि बहुत उबड़ खाबड़ हो, तो ऐसी जगहें जो है बहुत अशुभ होती हैं। पांचवा पॉइंट है, शुभ भूमि कैसे जाने। भूमि की मिट्टी यदि दोस्तों चिकनी है, बिल्कुल चिकनी मिट्टी आप जानते हैं, या फिर वो भूमि की मिट्टी जो गीली है, या फिर उस भूमि में अगर खेती होती रही हो, उस भूमि में धान लगा हुआ है या धान होता था अभी तक, या फिर घास उगा हुआ है, या फिर दोस्तों उसमें फूल लगे हुए हैं, या फिर लताएं लगी हुई हैं, बेल पत्ती, या फिर फूल, सुगंधित फूल, कोई भी फूलों से सजी हुई है, या उसमें एक आदमी पौधा लगा हुआ है कोई सुगंधित फूल, और वो भूमि अगर समतल है बराबर, तो दोस्तों उस भूमि का जो स्वामी बनने वाला है, तो उसके घर में सभी प्रकार की वृद्धि होती है, धन की, आयु की, संपत्ति की, व्यवसाय की, ये इस तरह की भूमि जो है बहुत वृद्धि कारक होती है। छठवां पॉइंट है दोस्तों, मकान की नींव जब खोद रहे हो और खोदते समय यदि काली ईंटें निकले तो भूमि को दोस्तों शुभ मानना चाहिए, पर अगर हड्डी निकले, बाल निकले, किस तरह की कोई खोपड़ी निकले, लोहा निकले, कोयला निकले, तो समझना चाहिए यहाँ मकान बनाने वाले को, जो इस भूमि पर मकान बनाला है या बनाने वाला है, वो रोग आदि कष्टों से परेशान रहेगा। तो दोस्तों ये था पूरी तरीके से मैंने आपको वास्तु के रूप से भूमि का, जो शुभ अशुभ भूमि के बारे में विचार करना चाहिए वो किस तरह से करना चाहिए, और आप ये खुद भी कर सकते हो, यदि नहीं कर सकते तो आप एक्सपर्ट्स की हेल्प ले सकते हैं, हमारे इस नंबर पर 9205574511 पर आप कॉल कर सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा भी हमारे पास और भी जो है जानकारियाँ होती हैं, और वास्तु के अकॉर्डिंग अगर आप कोई कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पर कॉल कीजिए, ताकि हम आपको कंसल्टेंसी दे पाएं और आपके लिए शुभ अशुभ भूमि का चयन कर सकें, या फिर आप जो भूमि लेने वाले हो उस पर विजिट करके हम उसे चेक कर पाएं कि ये आपके लिए कैसी रहेगी, क्योंकि भूमि जब लेते हैं तो भूमि का चयन तो होता है लेकिन उसकी फेसिंग भी देखी जाती है। अगर आप दक्षिण फेसिंग का, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट, कौन सा फेस का प्लॉट आप ले रहे हैं, कौन सा फेस का घर ले रहे हैं, प्रॉपर्टी ले रहे हैं, चाहे वो किसी काम के लिए भी हो, तो वो क्या आपके लिए शुभ रहेगी, आपके ग्रह नक्षत्रों के अनुसार, आपकी राशि के अनुसार कौन सी दिशा आपके लिए बहुत बेटर रहेगी, अच्छी रहेगी, ये भी सोचने वाली बात है, ये भी विचार करने वाली बात है, तो इस पर डिस्कस करना चाहिए। इसीलिए आपको चाहिए कि आपको जब भूमि लेने से पहले, खरीदने से पहले कंसल्टेंसी वास्तु शास्त्री की लेनी चाहिए, तो इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे इंट्रो में भी नंबर दिया है और अभी मैंने आपको नंबर दे दिया है। तो दोस्तों हमारा नंबर है 9205574511, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर कंसल्टेंसी के लिए आप मैसेज छोड़ सकते हैं, या फिर इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में आप जो है कमेंट लिख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम आपको रिप्लाई करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अनुसार, और तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।